ये क्या हो रहा है जिंदगी में, सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक अनजाना सा भय क्यों बना हुआ है, क्या कारण है कि हम अभी भी परेशान हैं। और इतने अच्छे भाव पर शनि का गोचर हो चुका है, गुरुदेव भी आज हमारे कुंडली पर, आज हमारे लगन से ठीक चौथे भाव पर गोचर कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे आर्थिक समस्याएं जो है बनी हुई हैं, हमारे किसी इवेंट जो कोई घटना, अच्छी घटना हमारी ज़िंदगी में घटित होने के बजाय वो बुरी घटना में परिणित हो जा रही है। आखिर वास्तव में कारण क्या है, इसी को समझने के लिए आज हमने निकाला है शनिदेव को। सभी नौ ग्रहों में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालते हैं वो शनि ग्रह हैं। कारण, कारण आपको समझना है कि कारण क्या है, और हम अभी आपको बताने वाले हैं, और उस कारण का एकमात्र निदान क्या हो सकता है। और यदि आप यकीन मानिए कि यदि आपने उस कारण को, उस निराकरण को आपने समझ लिया, आपने जान लिया, तो बहुत हद तक आपकी सारी समस्याएँ दूर हो सकती हैं। क्रम बाय क्रम उन विषय पर हम चर्चा करेंगे, आप अपने हमारे साथ बने रहें। यदि आपका मकर लग्न है, लग्न के आधार पर देखिए सटीकता ज़्यादा बैठेगी, और यदि आपको लग्न ज्ञात नहीं है, मकर राशि के अनुसार आप इसे देख ही सकते हैं। एक मिनट भी, एक सेकेंड भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मेरा मानना है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकता है ये वीडियो, इसलिए पूरे के पूरे इस वीडियो को देखिए, और जो इसमें नियम उपाय बताए जा रहे हैं उसको अपने जीवन पे आप अप्लाई कीजिए, फिर देखिए कि यहाँ पर शनिदेव आपके साथ चमत्कार कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी बातें नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ वही लॉजिकल बातें होंगी जो शनि के द्वारा आपको प्रदत्त है। माना जाता है कि शनि जहाँ पर विराजमान होते हैं वो भाव एक ढाई वर्ष तक आपके जीवन में उस भाव से आपको पीछा नहीं छूटेगा। कौन सा भाव है, सबसे पहला पॉइंट, तीन पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, पहले पॉइंट पर चलते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, आपके एक एक क्षण का, एक एक पल का हम हिसाब आपको देंगे। तो जब एक नंबर पहले हमने देखा कि शनि है कहाँ, शनि जहाँ पर है उस भाव को आपको देखना है। तो शनि आपके दूसरे भाव पर बैठे हैं, ठीक मकर राशि से अगले भाव पर, जो कि आपका धन भाव है। आपने सुना भी, जब शनि यहाँ पर प्रवेश किए तो आपके जीवन में बहुत सी आर्थिक धन की बरसात होगी, और क्या क्या न जाने क्या क्या, क्योंकि धन भाव पर शनिदेव आए हैं। परंतु वास्तव में वो चीज़ मिल क्यों नहीं रहा है, तो शनि को समझना है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। अभी कब से आए हुए हैं, 17 जनवरी सन 2023 का वो दिन था जिस दिन शनि ने ट्रांजिट, अपना गोचर परिवर्तन किया अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। और जैसे ही ये दूसरे भाव पर आते हैं, आपके लिए खुशियों की बरसात लेकर के आते हैं। आपने सुना था, आपको ये बात कभी नहीं भूलना है कि शनि देवता आपके लिए एक ट्रेन के बराबर हैं। ट्रेन के बराबर का मतलब एक रेलगाड़ी, रेलगाड़ी मतलब आप यहाँ पर हैं और आपका मंजिल यहाँ पर है, तो एक यहाँ से यहाँ तक आपके मंजिल पहुँचने में आपको 2.5 वर्ष लग सकते हैं। अब बस आपके ऊपर है कि आप क्या पूरा 2.5 साल लेना चाह रहे हैं, या फिर आप 4 महीने में उसे प्राप्त कर रहे हैं, या फिर साल भर, 1.5 साल, कितना समय लगा रहे हैं आप। ध्यान से समझिएगा, तो अब वो आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे पैसेंजर ही बने, क्योंकि शनि देवता को तो विलंब का कारक माना गया है। सैने सैने जो धीरे धीरे चलते हैं वही शनि है, धन भाव में आकर के धन भाव को सैने कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि शनि जहां जिस भाव का रिजल्ट देंगे उस भाव में धीरे ही करेंगे, आपको लाभ देंगे तो भी बहुत धीरे धीरे आपके लाभ बढ़ेगा, और यदि आपको हानि करेंगे तो बहुत धीरे धीरे भी आपका हानि होगा। सैने सैने इनका नाम ही शनि है, तो वो आपके हाथ में है। आप 2.5 साल का समय लेंगे कि कल कर लेंगे उसे पूरा। अब उसे पूरा करने के लिए आपको पैसेंजर एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेन आपको प्राप्त हो रहा है। अब या तो छोड़ दिया जाए तो 2.5 साल का समय लेंगे, पैसेंजर की भांति चलेंगे, और कुछ मेहनत कर लिया, कुछ पूजा पाठ दान पुण्य कर लिया, तो ये हो सकता है कि और कुछ कम समय लें। और यदि आप इसे सुपर फास्ट बनाना चाहते हैं, बहुत फास्ट गति से अपने जीवन में धन की प्रवाह चाहते हैं, तो शनि के बताए नियमों को आपको समझना होगा। शनि जहां पर विराजमान होते हैं, ऐसा मान्यता है कि शनि उस भाव को का पीड़ा भी मनुष्य को देते हैं, उस भाव का विलंब करते हैं शनिदेव। माना जाता है कि शनि विलंब के कारक है, तो शनि भाई धन भाव में आएंगे तो विलंब धन में होगा ना, आपका धन मिलने वाला है, कहीं से पैसे की प्राप्ति होने वाली है, परंतु हमें सिर्फ सुनाई पड़ रहा है, हाँ भाई हाँ पैसा मिलने वाला है, परंतु वो इवेंट पूरा नहीं हो रहा है। हमें किसी को पैसा देना है, हम प्रयास लगे हुए हैं कि उन्हें पैसा देना है, लेकिन उस पैसे को से उस कर्जे से मुक्ति पाने के लिए हमें कोई साधन भी नहीं दिख रहा है। भाई कहीं से पैसा आए तब तो किसी को पैसा दें। और क्यों पैसे की बात क्यों हो रही है, क्योंकि आपके तो धन भाव पर शनिदेव आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर पैसों की बात हो रही है।
तो आर्थिक परेशानी यहां पर शनि दे रहे हैं क्योंकि विलंब के कारक हैं, लेकिन जैसे ही आपने शनि के उस टेक्निक को समझ लिया, उस तकनीक को समझ लिया जो शनि द्वारा प्रदत्त है, वो आपके सारे के सारे आर्थिक समस्याओं से निराकरण आपका कर सकता है। कैसे? तो अब दूसरे पॉइंट की बारी आती है, ये होती है शनि की दृष्टियां। शनि की दृष्टि कहाँ है आपको समझना है। तो आपको बता दें शनि की तीन दृष्टियां होती हैं, एक तो तीसरी, एक सातवीं, एक दसवीं, तीन, सात और दस दसवीं होती है दृष्टि। अर्थात शनिदेव जहां पर बैठते हैं उस भाव से उन भावों पर भी अपना अधिकार रखते हैं। आपके जीवन में ये धन भाव पर बैठे हैं तो चतुर्थ भाव पर अधिकार रखेंगे, क्योंकि तीसरी दृष्टि एक दो तीन, तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, कौन ये कौन सा भाव है, आपके निर्माण कार्य एक नंबर है, मतलब इस घर के मालिक तो मंगल देवता हो गए। अब शनि की जब दृष्टि पड़ती है मंगल के घर पर, मंगल क्या है आपको पता है, मंगल है हमारा भूमि, निर्माण कहाँ पर होता है, तो भूमि, घर भूमि पे ही तो निर्माण होगा। तो इसलिए शनि की दृष्टि जब भूमि भाव पर अर्थात हमारे चतुर्थ भाव पर हो, हमारे कंस्ट्रक्शन के स्वामी शनि देवता की जब दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो, तो जीवन में इस ढाई साल के दरमियान आपका कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य होता ही है। आपका यदि मकर लग्न है तब तो बिल्कुल आप इसे स्पष्ट ही मानिए, और यदि आपका लग्न कोई भी है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये मानिए कि शनि यदि आपका धन भाव में है तो धन भाव से जब भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, दशा अंतर दशा में वो प्रभावित होंगे, तब तब आपके कंस्ट्रक्शन का योग बनेगा। कंस्ट्रक्शन के कारक ही शनिदेव को माना गया है। अब बस बात वहीं अटकती है कि आपको पैसेंजर चाहिए या सुपरफास्ट चाहिए। सुपरफास्ट चाहिए तो आपको चतुर्थ भाव के कार्य करने होंगे। कौन से कार्य करने होंगे, ये आपके माता के भाव हैं, आपकी माता जो हैं उनसे आप आशीर्वाद लीजिए। अब मान लीजिए आपकी माता नहीं है, सास है, तो अपने सासू माँ से आशीर्वाद लीजिए, उनसे जुड़ करके आप रहिए, उनके साथ संबंध रिलेशन अच्छा रखिए, आपका चतुर्थ भाव अच्छा हो जाएगा। हालांकि सासू माँ के लिए हमको अष्टम भाव देखना है, लेकिन यहाँ से शनिदेव अष्टम भाव को भी तो दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यही समझना है कि कुटुंब भाव पर यदि दृष्टि है आपके, ये आपके जीवन साथी का भाव हो गया, हम लोग आएंगे अभी अष्टम भाव पर, पहले चतुर्थ भाव की बात कर लेते हैं। तो माता या माता सदिश किसी की आशीर्वाद देना, उनसे जुड़ करके रहना आपके इस भाव को अच्छा बनाएगा। भूमि भवन वाहन मकान ये सारे सुख जितने भी आपके भौतिक सुख संसाधन, यही आपका वाहन भाव भी है, तो शनिदेव यहाँ पर दृष्टि देना है। तो देखिए जहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि होती है, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि होती है वहाँ हमें संघर्ष करना पड़ता है। आप स्वयं सोचिए कि आपको अपने गाड़ी संबंधी वाहन संबंधी कोई संघर्ष नहीं झेलने पड़ रहे हैं क्या? आपको घर निर्माण संबंधी कोई संघर्ष नहीं झेलने पड़ रहे हैं क्या? आपको भूमि जो आप पृथ्वी जो घर बनाने के लिए जो पृथ्वी लेना चाहते हैं, जो भूमि खरीदना चाहते हैं, क्या वहाँ पर आपको समस्याएं नहीं बनी हुई हैं? यदि बनी हुई हैं तो आप यही समझिए कि आपकी गाड़ी स्लो मोशन में चल रही है, पैसेंजर ट्रेन की बराबर चल रही है। आपको बढ़ाना है तो आपके नेटिव प्लेस में वो शक्ति छुपा हुआ है जो आपको सफलता दे सकता है। चतुर्थ भाव आपका नेटिव प्लेस है, जहाँ आपका बर्थ प्लेस है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्ग दपि गरीयसी, अपनी माता या और अपने जन्मभूमि जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उस स्थान पर जाइए, वहाँ जाकर के कुछ समय व्यतीत कीजिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक अच्छा फल मिलेगा। देखिए यहाँ पर शनि की दृष्टि यहाँ पड़ी, आपको फोर्थ हाउस का रिजल्ट तो वो देगा ही देगा, लेकिन यदि आपने उस भाव को एक्टिवेशन में ले आया तो कम से कम बुरा रिजल्ट तो नहीं मिलेगा। कोई नहीं जा पाते अपने घर, कोई दूर है जो घर नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने परिवार से बातचीत, फ़ोन का माध्यम है, फ़ोन के माध्यम से परिवार से बातचीत भी कर सकते हैं, ये परिवार का भाव भी है। जब परिवार से आपके रिलेशन अच्छे होंगे तब यकीन मानिए यही शनि आपके आर्थिक ग्रोथ को बढ़ा देगा, क्योंकि धन स्थान से उसकी दृष्टि पड़ रही है। जब आप अपने अपने नेटिव प्लेस में जाते हैं तो उस स्थान पर जा कर के कुछ उस वहाँ की कुछ मिट्टी लेकर के आ जाइए, उस मिट्टी को ला करके अपने घर में, अपने पास, अपने वर्क प्लेस में, अपने पर्स में, कहीं पर भी रख सकते हैं अपने साथ में। होगा क्या? होगा यही कि आपने चतुर्थ भाव को एक्टिवेशन में ले आया है और आपने शनि के प्रभाव को, जो संघर्ष का प्रभाव, जो आपके जीवन में संघर्ष है, वो संघर्ष बहुत हद तक आपके कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी अगली दृष्टि जो सातवीं दृष्टि है। सातवीं दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पर।
अष्टम भाव स्वयं रुकावट का, भाई धन भाव से यदि कोई ग्रह देखेगा तो उस भाव को रुकावट ही तो करेगा। लेकिन यहाँ इस बात को भूलना नहीं है, परिवर्तन का भाव है। अब शनि परिवर्तन कारक माना गया है, परिवर्तन भाव को शनिदेव देख रहे हैं। माना जाता है कि शनिदेव की सात्विक दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ पर मित्रवत व्यवहार होता है, और साथ में कुछ न कुछ उस भाव को लेकर के उसके लिए हमको पीड़ा महसूस होती है। तो अष्टम भाव परिवर्तन है, बदलाव है। तो आपके मन में क्या होगा, मेरा जीवन बदल क्यों नहीं रहा, सब कुछ अच्छा होते हुए जीवन परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। इस समस्या का समाधान आप स्वयं नहीं निकाल पा रहे हैं, और इसी कसमकस में आप अभी आपका समय चल रहा है। सब अच्छा होने के बाद भी परिवर्तन बदलाव जीवन में क्यों नहीं आ रहा है। तो ये भाव, अष्टम भाव को यदि आपको एक्टिवेशन में लाना है तो बैठ करके 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए। तंत्र मंत्र गुप्त विद्या ज्योतिष, आप जो ये ज्योतिष ज्ञान देख रहे हैं, आप जो अपने समझ रहे हैं कि मेरा जीवन कैसे उत्तम हो सके, कैसे मैं अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकूं, ये सब क्या है, ये सब तो शनि है ना। शनि का सीधा सीधा संबंध अष्टम भाव से है, क्योंकि अष्टम भाव के कारक भी शनिदेव माने गए हैं। तो जब आप बैठ करके 5 मिनट एक माला भी आप फेर लेते हैं तो समझिए आपने अष्टम भाव को आपने जागृत कर लिया है। आप रिसर्च करते हैं, आप जिस कार्य फील्ड से भी जुड़े हुए हैं, आप बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, या फिर आप किसी प्रोफेशन के कार्य में हो, आप वहाँ पर बैठ करके कोई रिसर्च का कार्य कर, रिसर्च मतलब ये हो गया कि भाई कैसे मैं इससे अच्छा और अच्छा बना सकता हूँ, और उस पर जब आप काम करते हैं तो आपने अष्टम भाव को एक्टिवेशन में ले आया। और जब एक्टिवेशन में आपके अष्टम भाव आ गए, परिवर्तन कैसे नहीं होगा। अब यही वो भाव है जो धन के फसाहट का है। अब धन आपका आकर के अष्टम भाव में, ये धन भाव से शनिदेव देख रहे हैं, पैसे को ले लेकर कहाँ रख दिए, अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है, पैसे की फसाहट है, फंस गया पैसा हमारा। अब शनिदेव पैसेंजर है ना, 2.5-2.5 साल तक रहेंगे। अब हो सकता है उसको रिकवरी प्राप्त करने में आपको 2.5 साल का समय लग जाए, और यदि आपने इसे एक्टिवेशन में ले आया, शनि के जो चतुर्थ भाव को हमने बताया, अष्टम भाव जो पूजा पाठ, जो तंत्र मंत्र हो गया, जो आपके रिसर्च का कार्य हो गया, इसको यदि आपने अच्छे से कर लिया तो यहीं पर आप समझिए कि कैसे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। बस ग्रहों की कुछ भाषाएं होती हैं, हम समझ नहीं पाते, और अपने मुताबिक कोई कार्य करते हैं तो ग्रह बोलते हैं ठीक है भाई तुम अपने मुताबिक कार्य करो, मुझे अपना कार्य करने दो, और फिर बस वही पैसेंजर की भांति हमारा ट्रेन आगे बढ़ रहा है। अब शनि के 10वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। 7, 8, 9, 10 ये जीजिए कितना अच्छे भाव पर इनकी दृष्टि आ गई। भाई शनि की अगली दृष्टि आ गई आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव वो भाव हो गया जो आपके लाभ का है, भाई धन भाव से लाभ भाव को देख रहे हैं, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि कोई भी ग्रह यदि दूसरे घर से एकादश भाव को देखता है तो मतलब धन का फ्लो अच्छा बन गया, ये आपका पैसा है, ये आपका इनकम है, इनकम का सोर्स बढ़ाएगा ना। अब फिर वही बात आती है कि आप 2.5 वर्ष का समय लेना चाहेंगे या कल प्राप्त करना चाहेंगे। 4 महीना लग सकता है, 2 महीना, कल 1 घंटे में आपका प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, एकादश भाव आपका इनकम है, आपके बड़े भाई बहन हैं, तो बड़े भाई बहनों से आपको सावधान नहीं रहना है, उनका सहयोग करना है, उनके लिए अच्छा से अच्छा जो आपसे बन पाए वो कार्य करना है। तो यहाँ पर आपने एकादश भाव को आपने एक्टिवेशन में ले आया आपने। अब यही समझना है कि यहाँ से जब शनि एकादश भाव को देख रहे हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति की बात कर रहे हैं, तो जो आपकी इच्छाएँ हैं उन इच्छाओं को आप दमन मत कीजिए। यदि कोई बुरी इच्छाएं हैं दमन कर दीजिए, कोई दोष नहीं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति यदि कोई बात, कोई ऐसी कोई चीज़ है जो आप निर्वहन कर सकते हैं, चाहे वो फैमिली मैटर हो या वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर हो या फिर किसी चीज़ को खरीदने की बात हो, यदि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसे प्राप्त करने के लिए आपके पास पैसे हैं, आपके पास सहूलियत हैं, तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। एकादश भाव वो स्थान हो गया, बड़े भाइयों का सहयोग, बड़े भाई बहनों का सहयोग यहाँ पर सर्वथा आपके लिए अच्छा है। अब एकादश भाव का है, क्या है, एकादश भाव हो गया आपके सोशल सर्कल का, सामाजिक दायरा। अब यदि पर आप सामाजिक दायरे में रहते हैं, समाज के लोगों से मिल करके आपको ज़्यादा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। कोई भी असामाजिक गतिविधियाँ आपके धन को नुकसान पहुँचा सकता है, इस बात से आपको सदैव सतर्क रहना है। समाज को आपसे नुकसान नहीं पहुंचे, अगर नहीं पहुंचता है तो समाज के शोषित वर्ग का एकमात्र अधिष्ठाता माने गए हैं शनिदेव को, और तब आपने शनिदेवता को भी आपने प्रसन्न कर लिया। ये हो गए इनकी दृष्टियां। अब बात करते हैं उस उपाय की, जो उपाय आपको करने हैं इस दौरान।
सदैव की भांति आपको यही ध्यान करना है, जितने भी फोर्थ क्लास के एम्प्लॉई हैं ये सब शनि देवता हैं, जितने हमारे सेवक हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, जो जो हमारे कार्य को का निष्पादन अच्छे ढंग से करते हैं, हमारे कार्य को वो कर रहे हैं, वो सब शनि के अंतर्गत आएंगे। हमारे घर के काम वाली, पोछा वाली, झाड़ू वाली, ये सारे लोग शनि के अंतर्गत आएंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि कोई पुरुष है या महिला है, शनि एक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं और आपको उसमें स्त्री महिला को डिफाइन नहीं करना है। पुरुष हो या स्त्री, सभी आपके लिए उतने ही फायदेमंद होंगे, जितना आपके लिए कोई पुरुष होगा उतने ही स्त्रियां होंगी। शनि देवता हमसे 1.2 अरब किलोमीटर दूर हैं, उसके बाद भी शनि देवता ने अपना प्रतिनिधि इन सब के माध्यम से हमारे जीवन में छोड़ रखा है। जो अपंग हैं, लूले लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, वो सारे के सारे शनि देवता हैं। कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं, वो दिख जाए तो आप यदि उन्हें एक रुपये भी देते हैं तो कितना आपका अच्छा होगा। आपने सुना होगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक रुपये क्या है? तुम एक रुपये दोगे वो 10 लाख देगा। ये बात क्या है? यही वो बात है जहां पर हमने जितना दिया उसका कई गुना हमें फल प्राप्त होगा। और माना जाता है दान से बड़ा कोई धर्म नहीं, इसलिए दान सदैव करते रहिए। और अगर शनि की कृपा प्राप्ति करना है तो गरीब शोषित वर्ग को सदैव दान करते रहिए, आपका जीवन सदैव उन्नति की ओर शनि देवता आपको ले जाएंगे। अगले उपाय के रूप में आपको समझना है, आपके घर की पश्चिम दिशा साक्षात शनि की दिशा है। सभी ग्रहों की एक एक दिशाएं बनी हुई हैं, लेकिन शनि की दिशा की बात यदि की जाए, बाकी ग्रहों की बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शनि की यदि बात करते हैं तो आपके घर की पश्चिम दिशा, जहां पर आपके ऑफिस, आपके कार्य क्षेत्र, कहीं पर भी आप हैं, शनि का दिशा पश्चिम दिशा है, उस स्थान पर एक हनुमान जी का तस्वीर लगा दीजिए। मानो हनुमान जी वहां है तो शनि आपको बुरा फल दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो इसके पीछे एक कारण है, जब शनि देवता कर्म के देवता है और सभी को, सभी पर उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इतनी सारी दशाएं आती हैं। उसके बाद फिर साढ़े साथी, अढ़ैया, पनौती और बहुत सारे, इन सब पर शनि देवता का आधिपत्य है। ये जब जब हमारे जीवन में आते हैं, समझिए हमें कर्मों का पाठ पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अब हनुमान जी को यहां धारण कर लिया तो एक दिन हनुमान जी पर भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई, संघर्षकारी दृष्टि पड़ गई। हनुमान जी होता तो बड़े क्रुद्ध हो गए और हनुमान जी ने उसे अपने पूछ पर लपेट लिया शनि देव को, और तीनों लोकों में भ्रमण कराने लगे, उन्हें घसीटते घसीटते ले जाने लगे। अब हुआ क्या, शनि देवता इस समय पर सारे उनके शरीर छिल गए शनि देवता के, तो इन्होंने कहा कि महाराज मुझे छोड़ो छोड़ो। हनुमान जी ने तो छोड़ तो दिया उनके विनय पर, लेकिन देखा कि शनि बेचारे पूरे लहूलुहान हो गए हैं। तब हनुमान जी को दया आई, उन्होंने सरसों का तेल हाथ में लिया और मलहम लगा दिया शनि के शरीर पर। शनि देवता को बड़ी शांति मिली। तब हनुमान जी को शनि देवता ने कहा कि महाराज आपके इस छूने मात्र से मेरा पूरा सारा शरीर पुनः फिर से शुद्ध हो गया है और मैं किसी प्रकार से पीड़ा को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। अब मैं आज ये वरदान देता हूँ सारे जगत के लोगों को कि जो शनिवार के दिन पीपल में मेरा वास होगा, जो शनिवार के दिन जाकर के वहाँ तेल का लेपन करेगा, सरसों तेल का लेपन करेगा, जिस प्रकार से मुझे शांति प्राप्त हो रही है, मैं भी उनके जीवन को उन्नत और शांतिपूर्ण बना दूंगा। ये उपाय कीजिए, काम आएगा आपके, बहुत सारी पीड़ाएँ, आपके जीवन के दुख दर्द शनि देवता हर लेंगे। हनुमान जी की आराधना, सदैव आपको सुंदरकांड, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ, पूजा, ये सदैव आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा यदि आप करना चाहें तो शनि मंत्रों का जाप प्रत्येक अमावस्या को, वैसे तो शनि हमेशा कर सकते हैं, प्रत्येक शनिवार का दिन जब आए या विशेषकर जब अमावस्या का दिन कोई भी पड़े, अमावस्या तिथि महीने में एक बार आती है, आप आसानी से उसे जान सकते हैं कैलेंडर में, पंचांग में, या किसी के माध्यम से नेट पर सर्च करेंगे अमावस्या कब है तो आपको पता चल जाएगी। उस अमावस्या तिथि को आप शनि की सामग्री जो है, काले तिल हो गए, उड़द हो गए, या जूता चप्पल जो आपके पास है या नया खरीद के ले आए, उन सब सामग्रियों को किसी को दान कीजिए। भाई उस फोर्थ क्लास के लोगों को दान कीजिए। इससे होगा क्या? इससे शनि देवता की कृपा आएगी और आपके जीवन में देखिए कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपने इस पूरे टेक्निक को समझा, जाना और अपने जीवन को उच्चतम बनाने के लिए आप इस पर प्रयासरत रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। यदि मेरा प्रयास आपको सार्थक लगा है तो अपना एक लाइक करना मत भूलिएगा, हमेशा के भांति अपना प्यार जरूर दीजिएगा।
कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और कमेंट में जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। पुनः आपने एक बार फिर से प्रार्थना करूंगा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा कर रखेंगे ताकि भविष्य में आने वाले जो हमारी वीडियो हैं वो आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँच पाएँ। पुनः अगले वीडियो के आते तक आप सभी से विदा लेकर के हम यहाँ से विदा लेते हैं। आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शनिदेव।